फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी से आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप हमारे वीडियोस की अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इनमें से किस विभाग ने वर्चुअल मोड में वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा विभाग, बी सूचना विभाग, सी प्रौद्योगिकी विभाग, डी विज्ञान विभाग। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने हाल ही में वर्चुअल मोड में वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। यह भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंड्री रोगजनकों के महत्वपूर्ण वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों की निगरानी करने का अधिकार देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए हरदीप सिंह पुरी, बी राजनाथ सिंह, सी अनुराग ठाकुर, डी अजय सिंह। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक करने के लिए हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को पार्किंग वाहन की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में कौन सी बार भारत सदस्य बना है? दोस्तों, आपके ऑप्शन से ए पहली, बी तीसरी, सी चौथी, डी छठवीं। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है छठवीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में छठवीं बार भारत सदस्य बना है। इस बार भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। सदस्य चुने जाने के बाद भारत ने कहा है कि वह सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए आशीष नेहरा, बी जहीर खान, सी वीरेंद्र सहवाग, डी राहुल द्रविड़। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया का अगला कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। वे T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोच बनेंगे। राहुल द्रविड़ का करार पहले 2023 तक के लिए होगा। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में T20 में कितने मैच में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ए 200 मैच, बी 250 मैच, सी 300 मैच, डी 400 मैच। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है 300 मैच। महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में T20 में शुरुआत की थी और वर्ष 2007 से वह भारत तथा IPL में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनकी कप्तानी में 176 में जीत दर्ज की है और 118 मैच में उन्हें हार मिली है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है हमारा, 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, बी विश्व आघात दिवस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी दोनों। 17 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का उद्देश्य विश्व भर में विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हमारा, निम्न में से किस देश ने कुनमिंग जैव विविधता कोष में $233 मिलियन देने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है चीन। चीन ने हाल ही में विकासशील देशों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुनमिंग जैव विविधता कोष में $233 मिलियन देने की घोषणा की है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख संरक्षण शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, चीन और किस देश के बीच जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ए जापान, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी रूस। रूस और चीन के बीच हाल ही में जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में हो रहा है।
चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कुल 116 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं ए 91, बी 72, सी 95, डी 101। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुल 116 देशों की सूची में भारत 101वें स्थान पर रहा है। भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख की समस्या को काफ़ी गंभीर रूप में पहचाना गया है, जबकि पिछले वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों में से भारत 94वें स्थान पर था। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा जो कि आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड किया है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF, सी यूरोपीय संघ, डी नीति आयोग। फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इस ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से होने वाले आय को सदस्यों को दिया जाएगा। इसे परिवहन, ऊर्जा दक्षता और प्रकृति संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर खर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब अगले दिन नई जानकारी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।